कुमारी मायावती किसी से डरती नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारी बहन मायावती हमेशा पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आगे आती रही है, और देश उनको सबसे पहले दिखता है और देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं। जब से बसपा चीफ ने अपनी पार्टी से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं, तब से वो यूपी की राजनीति में चर्चा बनी हुई है। एक बार फिर से मायावती का नाम सियासी गलियारों में उठने लगा है, लेकिन इस बार उनके फैसले चर्चा की वजह नहीं बल्कि उनके सिपाही हैं, यानी कि बसपा सांसद मलूक नागर, जिन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी लीडर की तारीफ में ऐसे कसीदे पढ़े कि उनका वीडियो वायरल हो गया। आप खुद सुनिए मलूक नागर ने मायावती को लेकर क्या कहा। बहन कुमारी मायावती किसी से डरती नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, कुमारी बहन मायावती हमेशा पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आगे आती रही है, और देश उनको सबसे पहले दिखता है और देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं, और जहां भी पिछड़ों की बात आती है, जहां भी दलितों की बात आती है, आगे हमेशा आगे बढ़ करके हमेशा पिछड़ों के लिए खड़े रहते हैं। दरअसल बसपा सांसद लोकसभा में पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मायावती किसी से डरती नहीं है, हमेशा से पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए आगे आती रही है, उन्हें देश और देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं। जब पिछड़ों की बात आती है और दलितों की बात आती है, हमेशा आगे बढ़कर मायावती खड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं, मलूक नागर ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। कहा कि देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं, गुज्जर बक्कर वालों के बारे में बोलते हैं तो दिक्कत होती है, हम इनकी बात करते हैं तो कहते हैं गए बीजेपी में, मिल गए बीजेपी से, डर रहे हैं बीजेपी से, और ईडी आ गई, आज तक तो नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। गुज्जर बक्कर वालों के बारे में क्या कभी इन्होंने संसद में कोई मांग रखी है? अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी, बताएं ये बात विरोध करने के बजाय। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं ठीक, गुजरों के बारे में, गुजर बक्कर वालों के बारे में, तो दिक्कत होती है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें कहते हैं गए बीजेपी में, मिल गए बीजेपी से, डर रहे बीजेपी से, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई। अरे आज तक तो आई नहीं, कभी पता नहीं कब आएगी। हाँ, तुम्हारी सरकार के समय पे जरूर ऐसे अधिक संपत्ति के केस तुम लोगों ने लगाए थे और पार्टी। हालांकि इस दौरान बसपा सांसद को जल्दी भाषण खत्म करने को कहा गया, लेकिन वो अपनी बात खत्म करके ही बैठे। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी बेहद एक्टिव मूड में नजर आ रही है। बता दें कि मायावती ने 9 दिसंबर को दानिश अली को पार्टी से बेदखल किया, फिर अगले ही दिन अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी थी, और अब मलूक नागर का संसद में दिया गया ये जोरदार भाषण तेजी से वायरल हो रहा है।